जब एक नारी सशक्त होती है तब उसके चारों ओर का संसार भी सशक्त होता है। मैं आपसे अपने खोज की कहानी बांटना चाहती हूँ, अपने मंजिल तक पहुँचने की कहानी। असल में मैं अपने और अपने रचयिता के परम सत्य की खोज में थी। मैं संसार में नई थी। भगवद गीता में एक परमात्मा का ज्ञान है, पर मेरे घर में तो कई भगवान के चित्र लगाए थे। मैं ये सोचा करती थी कि इनमें से सच्चा भगवान कौन है? क्या इन सबसे ऊंचा कोई भगवान है जो परम शक्ति है? मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था, तो आपने मुझे अपनी गोपी बनाकर अपने पास क्यों नहीं रखा? शायद मैं उनके जितनी प्यारी नहीं हूं। मैं दिल ही दिल में आपके साथ नृत्य करती रहती थी, अपने अंतः मन से आपके प्रेम के गीत गा रही थी। शेर पर बैठी दुर्गा जी की मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरे लिए एक आदर्श थी। मैं सारी दुनिया से चिल्ला कर पूछती, हे अल्लाह तुम कौन हो? इन्हीं उलझनों के साथ मैं बड़ी हुई। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मैंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक ऑफिस के छोटे से कमरे में की। वहां मैं ऑफिस अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट भी थी। ऑलराउंडर की तरह हर काम करती थी। मेरी संस्था की उन्नति होने लगी। मेरा केबिन कईयों के लिए अपना समस्या बांटने का स्थान था। मेरी संस्था की और तरक्की होने लगी। मैं 200 से अधिक लोगों की जिम्मेवारी उठाने लगी। अपने सहकर्मी और उच्च अधिकारियों का भी पूरा समर्थन मुझे प्राप्त था। वो दिन चुनौती भरे थे, पर साथ ही मजेदार भी थे। मुझे मेरे ऑफिस में छोटे बड़े हर प्रकार के कॉर्पोरेट और आम लोगों से मिलना होता था। मेरी ऑफिस का रूम सारे जगत के लिए एक खुले केबिन की तरह था। और दूसरी ओर था मेरा परिवार। उन्हीं के प्यार और भरोसे के कारण मैं एक आजाद पंछी थी। उनके बिना मैं यहाँ तक कभी ना पहुंच पाती। अपनी कंपनी के साथ मेरे करियर की भी उन्नति हुई है। यहाँ मेरा सफर बहुत ही रोमांचक रहा। मैं अच्छे और बुरे हर प्रकार की राह से गुजरी। कभी कभी मैं एक निरीक्षक, तो कभी कभी एक श्रोता और कभी मध्यस्थ बन जाती। अपनी सफलता से बहुत उमंग उत्साह आता था, और कई बार असफलता के कारण
खुद को निराश और मजबूर महसूस करती थी। कई दिन और कई रात यूं ही बीतते गए। मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी, फिर भी अंदर ही अंदर एक खालीपन था। मेरा परिवार और मेरी नौकरी ही मेरा संसार थे, लेकिन मेरे मन में विचार आता था कि इन सब में मैं कहाँ हूँ? क्या जीवन एक अंतहीन दौड़ है? इस जाल से मुझे कौन बाहर ला सकता है? हे भगवान, क्या आप मेरी सुन रहे हैं? मुझे धीरे धीरे जवाब मिलने लगे। ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर से कोई मुझे सुन रहा है। वो भगवान के साथ मेरी एक अचानक आकस्मिक भेंट थी। मैंने एक दिव्य उपस्थिति की अनुभूति की और तब मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। परमात्मा जो सत्य है, कल्याणकारी है, जो सबसे सुंदर है, मैं शांत हो गई। मैं ज्ञान के प्रति जागृत हुई। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे कि ये सारा संसार मेरा है। मैं खुद को एक पवित्र चेतना, एक दिव्य आत्मा के रूप में अनुभव करने लगी। अभी भी मेरे खुले केबिन में कई लोग आते हैं। अब मैं हर मुद्दे को नए दृष्टिकोण से देखती हूँ। मैं उन्हें भगवान की उपस्थिति में सुन रही थी। अब मैं सिर्फ एक प्रेक्षक थी। मुझे ये एहसास हुआ कि परमात्मा से जुड़कर वे भी शांत बनते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हर नारी सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके अनेक रूप द्वारा ये दुनिया उससे समाधान पाने का प्रयास करती है। उसे सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करना है, परंतु इन सब के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी सशक्त बनाना होगा। और ऐसा सशक्तिकरण सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा हो सकता है। उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो एक आत्मा है, प्रकाश स्वरूप है, जो दिव्य शक्तियों और ऊर्जा का केंद्र है। प्रेम, शांति और सुख आत्मा के मूल संस्कार है। इन गुणों का अनुभव करके और अपने कर्मों द्वारा इसे सारे जगत में फैलाकर वो शक्तिशाली बन सकती है। और तभी ये सारी दुनिया सशक्त और आशाजनक बन सकती है। तब वो भगवान की उपस्थिति में होगी। वो शक्तिशाली दुर्गा बन जाएगी। वो श्री कृष्ण जी की गोपियों में से एक बनेगी। अल्लाह उससे प्रसन्न होंगे। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्या आप भी इस तरह से सशक्त हैं? क्या आप भी आत्मा के गुणों से सजे हुए हो? क्या आपने प्रेम और शांति की माला पहनी है? आप ये जरूर जानिए कि आपको खुद से और दुनिया से प्यार करने का मौका अभी भी है। तो ये मेरी कहानी थी। मैं शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप हूँ। मैं दुर्गा, मैं मीरा हूँ। मैं सबकी परवाह करती हूँ और सहनशील हूँ। मैं दयालु हूँ और अपने आप का सम्मान करती हूँ। मैं दुनिया के लिए आशा और प्रकाश लाई हूँ। जब मैं स्वयं को परिवर्तन करूँगी तो विश्व भी परिवर्तन हो जाएगा।